पानी गिरा है अंदर, मोटर लगाऊं मैं तो। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद रखती हूँ ठीक ठाक होंगे, हैरे से होंगे और तंदुरुस्त होंगे। अल्लाह में इसी तरह आपको तंदुरुस्त रखे, तमाम बीमारियों से दूर रखे। अभी मेरा पानी आ रहा है तो बस मैं उठी जल्दी जल्दी, मैंने बोला पानी भरूँ क्योंकि यही टाइम होता है मेरा पानी आने का, तो मैं पानी भर रही हूँ। तो रात हो रही है, असल में मेरा पानी भी रात को 10 बजे आता है, तो आज मैं पानी अपना बढ़ती तो डेली रोज़ाना हूँ मैं, लेकिन आज हस्बैंड मेरे 2 दिन तो हस्बैंड भर रहे थे, लेकिन आज मैं खुद भर रही हूँ। तो चले मैं अपना पानी तो देख लूँ पहले। अच्छा पानी ना ये देखें, यहाँ से जा रहा है ना, अब ये पानी बहुत ज़्यादा लीक भी हो रहा है, कभी कभी यहाँ से भी निकल भी जाता है पानी, ये बड़ा मसला होता है। एक दफ़ा तो यहाँ से निकल गया था, इतना मसला हो रहा था, मैंने इतनी मुश्किल से पानी निकाला यहाँ से। तो चले हम इस सेन में लगा, पाइप लगा होता है, हम देखते हैं। हाँ ये टंकी पे जा रहा है, ऊपर जो ऊपर टंकी लगी हुई है हमारे वाशरूम की, इस पे जा रहा है पाइप। इसको पाइप तो लगा हुआ है, लेकिन अब मोटर लगा देते हैं हम। चले बच्चे सो गए थे तो मैंने बोला चले मैं पानी देख लूँ, पानी नहीं था, पानी भर लूँ जल्दी। बच्चे मेरे लग रहा सो गए हैं जी, बच्चे मेरे सो गए हैं। तैयारी मैंने इनकी कर दी है सारी, क्योंकि ये मैं रात को कर देती हूँ, सुबह मुझे उठाना होता है इनको, जल्दी जल्दी नाश्ता देना होता है इनको, भिजवाना होता है कि जल्दी जल्दी ये सुबह नाश्ता सुबह ले आएंगे उठ के। लाइबा भी मेरी सो गई है। अच्छा लाइबा को ये देखे, मैंने तकिए लटाया था ऊपर ऊपर करके लटाया था इसको मैंने, ये ऐसा आस्ता करके नीचे आ गई ऐसा आस्ता, इसी तरह ये आती है। तो भाई इसलिए उधर सोते हैंगे, भाई अगर इधर सोएंगे तो ये वो वैसे ही ऐसे सोते हैं, टांगे खोल के सोते हैं, तो उधर मैं उनको सुला देती हूँ, आप उधर सो जाओ, तो ये ऐसे ही सोती है। और कुछ ही बेड का भी ऐसा मसला है कि मैं इधर सुलाती भी नहीं हूँ बच्चों को, तो इसी वजह से वो उधर ही सोते हैं। चले मैं पानी भी देख लूँ, क्योंकि पानी मेरा रात को आता है, तो मैं पानी रात के टाइम भरती हूँ। 2 दिन हस्बैंड थे वो भर रहे थे, लेकिन जाहिर सी बात है मेरी रूटीन है डेली की, मैं रोज़ाना मैं ही लगाऊंगी पानी, भरूंगी अपना। पानी मेरा गिरा है तो मोटर लगाऊंगी सबसे पहले। बच्चों ने लकड़ी ऊपर लटकाई है। अच्छा मेरा ना ये देखे स्विच भी बहुत ऊपर है, मेरा हाथ ऊपर नहीं जाता, ये देखे कितना ऊपर लगा हुआ है। अच्छा बिजली का स्विच इतना मुश्किल है लगाना, बहुत मुश्किल है। देखिए अब मैंने लगाया है तो मोटर अब लगाऊंगी। अच्छा मोटर अभी भी नहीं मेरी लगी, इसको वो पता मैं कैसे लगाऊंगी, अभी देखना। और आवाज़ आ रही है, लेकिन इसको मैं हल्का सा पाऊँ, इसका हल्का सा पाऊँ लगाऊंगी तो चलेगा। देखा आवाज़ आई इसकी, अब मेरा ये काम होगा मैं पानी भरूं, क्योंकि मेरी टैंकी में पानी नहीं है, वाशरूम में भी नहीं है। और ये देखो पानी भी खुल गया मेरा, अब यहाँ से पाइप लगाना पड़ेगा, तो ये बड़ा मसला होता है मुझे, जगह जगह पानी खुल जाता है मेरा। चलो पानी तो मैंने लगा दिया, लेकिन पानी सारा मेरे ऊपर आके गिरा है, गीली हो गई हूँ मैं, बहुत मुश्किल होता है पानी लगाना। और कपड़े भी मैंने धोने हैं, कपड़े भी मेरे जमा हो गए हैं, इंशाल्लाह अब जैसे पानी आ गया अभी मैं मशीन में डाल लूँगी पानी, और कल मैं धोऊंगी कपड़े, क्योंकि मेरे कपड़े भी हो रहे हैं। चरपाई हम खड़ी कर देते हैं, क्योंकि बच्चे बैठे हुए थे चरपाई पे, रात का टाइम है, बच्चे मेरे सो गए हैं। अच्छा बच्चे मेरे सो जाते हैं जल्दी, लेकिन मैं ज़रा रात को लेट ही सोती हूँ। मेरा असल में बाहर का दरवाज़ा भी देख लें, क्योंकि मुझे पूरा रात को देखना होता है। बच्चे भी सो जाते हैं, उनकी तैयारी करके उनको सुलाती हूँ, और पानी भी आना आ जाता है रात के टाइम, तो पानी भी भर के सोना होता है। मैं रात के टाइम ही पूरी तैयारी करके सुबह आराम से उठाती हूँ, अल्लाह करे पानी ना यहाँ से खुले, ताकि मेरी टैंकी भर जाए अंदर। और चले हम अंदर चलते हैं। अच्छा कभी इतना मुश्किल होता है पानी भरना कि सारा बंदा भीग ही जाता है, और मैं तो पूरी गीली हो जाती हूँ, हस्बैंड मेरे तो भर लेते हैं, लेकिन मुझे इतनी मुश्किल होती है पानी भरने की। मुझे ज़्यादा इधर का डर होता है, ये हमारे बरांडे का, क्योंकि यहाँ से पानी निकले तो हमारा तो पानी निकलने का कोई, यानी हमारा तो इधर कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है जहाँ से पानी हम निकालें। तो अब यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ, तो यहाँ से बेलचा फिर उठा उठा के बाहर फेंकती हूँ मैं पानी उस सेन में,
वरना यहाँ पे पानी मेरा इतना ज़्यादा जमा हो जाता है, बहुत मुश्किल होता है पानी निकालने की यहाँ से। तो बस इसी तरह ये चीकड़ भी होता रहता है। तो चले हम साथ साथ तैयारी भी करें। अच्छा बच्चों का मैंने यूनिफॉर्म तो रख दिया, बैग रह गए, मैं ये भी रखती हूँ ताकि सुबह आसानी हो, बच्चे उठें तो उनके लिए मैं बैग। अंधेरा और है, लाइट मैंने बंद कर दी है, बच्चे सो गए। चले दूसरे बच्चे का भी लाएं बैग। अच्छा ये मैं ये नहीं है कि मैं वीडियो बनाने की वजह से करी, वैसे मैं ये डेली मेरा शाम की रूटीन, ये मेरी काम है क्योंकि ये मैं रोज़ाना काम करती हूँ, तो इसलिए मैंने बोला कि चले आज मैं आपको भी दिखाऊं कि पानी मैं लगाती हूँ तो पानी का क्या मसला होता है। और बच्चों की मैं तैयारी करके सोती हूँ रात के टाइम क्योंकि मुझे सुबह कोई टाइम मसला ना हो। चले हमने दूसरे बेटे का भी बैग रख दिया, शूज़ मैंने इनके पहले रख दिए थे नीचे, शूज़ इनके नीचे पड़े हैं, यूनिफॉर्म भी हो गया, बैग भी हो गए। और असल में इनके ना अब पेपर भी शुरू हो रहे हैं, तो अब इनको अब तैयारी भी करवानी है। लाइट बंद कर दें हम, किचन भी देख लें हम। अच्छा किचन अभी हमारा सालन बाहर का भी हम सालन निकाल दें। चले ये धोते हैं, इसमें मैंने लाइबा को खिलाया। चले किचन मेरा बिल्कुल साफ़ हो गया है। सुबह मुझे ये होता है कि किचन, अच्छा मुझे ये बड़ा मसला होता है कि किचन रात को मेरा गंदा हो, तो किचन में अपना रात को साफ करके सोती हूँ। सब कुछ साफ़ हो गया मेरा किचन, चूल्हा भी मेरा, बस सालन निकालती हूँ अभी। मैं पानी देख लूँ, पानी का मुझे डर लग रहा है, क्या करूँ बंद। अच्छा आज ना मेरा ना असल में ना वो ये जो जहाँ से बेसन में बर्तन धोती है ना, वो नीचे वाला ना वहाँ पे पानी भी जमा हो रहा है, क्योंकि ये बिल्कुल हमारा बाहर का हिस्सा वो आ रहा है ना, तो वहाँ से मेरा ना पानी भी निकल रहा है। तो वो बस अल्लाह करे अभी पानी निकल जाए मेरा वहाँ से। तो लग रहा है बाहर जो मेन हमारा जो ये नाला जा रहा है ना, ये पीछे से ही बंद हो जाता है, पानी आ जाता है, लेकिन फ़िलहाल अल्लाह करे निकल जाएगा। कभी कभार तो आपको मैंने बताया बारिशें भी होती हैं तो हमारा पानी आ जाता है, और बहुत यहाँ से तो मुसलसल हमारा पानी निकलता है, ये जगह से हो गया और ये दरवाज़ा हमारा खुला होता है, तो अगर यहाँ से भी पानी अंदर आ जाए बहुत मसला होता है। चले हमारी अब किचन तो साफ़ हो गया, सालन हम निकालते हैं फ़िलहाल, पानी हम भर लें जल्दी से। अच्छा ये मैंने जानमाज अपने ऊपर रखे हैं ताकि जब नमाज़ पढ़नी होती है तो यहाँ से ही ले लूँ। कुर्सी मैं अपनी उठा देती हूँ ताकि लाइबा यहाँ से कुर्सी उठा लेती, और सुबह इसका काम होगा, कुर्सी उठाएगी ये, सबसे पहले उठ के इधर उधर जा रही होती है और सारे काम उल्टे सीधे करती है। तौलिया हम नीचे से उठाएं, मेरा तौलिया भी गिर गया नीचे। ये मेरे देखें ये दराज भी मेरा ख़राब हो गया, इसको भी सही नहीं होता, इसका भी बड़ा मसला हो गया। ये माशाल्लाह सारा दिन खेलती रहती है और अब कितने सुकून से सो रही है। सारा दिन इसका ये होता है खेलना कूदना भाइयों के साथ, भाई तो फिलहाल जब आते हैं तब खेलती है, उसके अलावा तो ये सारा दिन मस्तियाँ करती रहती है। अभी भी माशाल्लाह ये मस्तियाँ करते करते सो गई है। और मेरे मोबाइल में इतना मसला हो रहा था, मोबाइल मेरा बहुत ख़राब हो रहा है, वीडियो भी नहीं इसमें बन रही, क्योंकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाती हूँ वो बंद हो जाती है और मुझे इतना मसला होता है। बस हस्बैंड अभी घर में नहीं है, वो आएंगे तो मैं इंशाल्लाह मोबाइल भी दिखाऊंगी अपना, और मुझे तो पता भी नहीं है मोबाइल का क्या है, लेकिन चले वो आएंगे तो हम ज़रूर करेंगे। तो चले हम साथ साथ देखते भी जाएं पानी, पानी इधर से भी देखें बाहर से, क्योंकि बाहर का बड़ा होता है कि बाहर से निकल ना जाए हमारा पानी। अच्छा दरवाज़े हमने अभी उधर का मैंने अपने उस कमरे का तो बंद कर दिया, अभी इस कमरे का करूँगी, क्योंकि रात को मैं पूरे दरवाज़े बंद करके सोती हूँ। जाहिर सी बात है बच्चे होते हैं और मैं होती हूँ, हस्बैंड तो होते नहीं हैं घर में, तो हम दरवाज़े बंद करके सोते हैं। दीवारें भी इतनी छोटी छोटी हैं, जाहिर सी बात है ये देखें हमारी दीवारें छोटी हैं, तो अल्लाह का शुक्र है कभी ऐसा हुआ तो नहीं है, लेकिन फ़िलहाल बंद करके मैं सोती हूँ अपना पूरा। और वैसे भी ये द्वार ऐसी है यहाँ से तो डर ही लगता है, ये हमारा असल में एक पार्क बनी हुई है, लेकिन ये पार्क भी एक नाम की पार्क है, इधर तो लोग कचरा फेंक देते हैं बस ये वो, तो ये इधर ऐसा ही माहौल है, बस लोग बाहर नहीं फेंक के आते, बस ऐसे ही फेंक देते हैं कचरा इधर उधर। तो चले पानी तो मुझे भरते भरते बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि मैं सोऊँगी भी 12 बज जाएंगे मुझे, तो अभी तो फ़िलहाल मैं देख रही हूँ पानी, तो मैंने सारा काम भी कर दिया है। तो चले फिर मैं फिर चले फिर मुझे दे फिर इजाज़त, फिर अपनी दुआ में लाजमी शामिल रखें और इंशाल्लाह खैरियत से रहें, अल्लाह ने आपको खैरियत से रखें। तो आम
पानी में बहरन की आवाज़ आ रही है। तमाम परेशानियों से दूर रखें इंशाल्लाह, और हमें अपनी दुआ में लाजमी शामिल रखें, और हमारी वीडियो ज़रूर देखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको कैसी लगी है, और लाइक करें हमारी वीडियो को। तो चले फिर, अल्लाह हाफिज़।